मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार से होंगे सम्मानित। जाने माने वैज्ञानिक CNR राव को भी मिलेगा भारत रत्न। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने किया क्रिकेट को अलविदा। भारत ने वेस्ट इंडीज से सीरीज 2-0 से जीतकर सचिन को दी यादगार विदाई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिजोरम में, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने छत्तीसगढ़ में की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के हितों के लिए काफी कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि सिलचर रेलवे लाइन का काम 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा और सूरत को सिलचर से जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का 67% काम पूरा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार रहा नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन। गुजरात में कोबरा पेस्ट के खुलासे मामले पर सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल। रूस के सेवमार शिपयार्ड में रक्षा मंत्री AK एंटनी की मौजूदगी में इस विमान वाहक पोत को भारत को सौंपा गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मीडिया से अपनी साख बनाए रखने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मीडिया को निजी हितों से दूर रहने की दी सलाह। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर के 5वें और आखिरी कक्षा उन्नयन का काम सफलतापूर्वक किया पूरा। 1 दिसंबर को मिशन मंगल की कक्षा की ओर बढ़ना करेगा शुरू। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दूसरे दौर का मतदान। पूर्व राष्ट्रपति नशीद और अब्दुल्ला यामीन के बीच होगा मुकाबला। मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने छोड़ा पद। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में सशस्त्र लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 6 लोगों की मौत और 45 लोग घायल। विश्व में सेना द्वारा घोषित 3 माह के आपातकाल के खत्म होने के 1 दिन बाद कल मुर्सी समर्थकों ने निकाला जुलूस। काहिरा समेत कई शहरों में विरोध मार्च।